बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर के बारे में। ठीक है, चंद एक पॉइंट्स हैं हमारे, उनको हम तरतीब वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि इसके ओनर और डेवलपर्स कौन है, और दूसरा है इसकी लोकेशन क्या है, तीसरा ये NOC अप्रूव्ड है, और चौथा इसका क्या है, पेमेंट प्लान क्या है। ठीक है, और पाँचवा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि हिस्ट्री ऑफ सिटी हाउसिंग क्या है। सिटी हाउसिंग के जो मालिक हैं वो मेजर आमिर मलिक साहब हैं, ठीक है, और CEO हैं इसके जोरेज मलिक साहब, और ये बहरिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो ये डेवलपर्स हैं जो सिटी हाउसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं और इसको डेवलप करते हैं, वो सिटी हाउसिंग खुद है। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है सिटी हाउसिंग खारिया सराय आलमगीर की, वो है आप खारिया से जाएं 8 किलोमीटर आगे इस्लामाबाद की तरफ, और सराय आलमगीर से लाहौर की तरफ 8 किलोमीटर आगे आए तो दरमियान में है, तो इसलिए इसे सिटी हाउसिंग सराय आलमगीर कहते हैं। सिटी हाउसिंग खारिया सराय आलमगीर NOC अप्रूव्ड है या नहीं? जी, ये अप्रूव्ड है। इसकी जगह पहले गॉल्फ रेजिडेंशियल थी, ठीक है, उसके तकरीबन 8,000 के नाल अप्रूव्ड थी अप्रोक्सीमेटली मेरे अंदाजे के मुताबिक, और बाकी जो फर्दर जो एरिया है या रकबा है उसकी इनकी लीगल टीम्स इनको डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए और वो भी अप्रूव्ड है। और सिटी हाउसिंग खारिया की ये रेपुटेशन है कि ये जितने भी इन्होंने पहले प्रोजेक्ट किए हैं, 5 सिटीज में इन्होंने पहले प्रोजेक्ट किए हैं, तो सारे कामयाब और सबसे पहले उनकी NOC अप्रूव हुई होती है। इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी और आपने घबराना नहीं है, ओके। और फिर इसका जो पेमेंट प्लान है इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि सिटी हाउसिंग खारिया सराय आलमगीर जो बना रहे हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका वर्क रिपोर्ट क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आपको उस चीज के बारे में पता हो कि उसने पास में क्या वर्क किया है। तो जो सिटी हाउसिंग खारिया सबसे पहला सिटी हाउसिंग जो है एक आइकॉन है प्रॉपर्टी का, डेवलपमेंट का, ठीक है, और उन्होंने सबसे अपना पहला प्रोजेक्ट 8 साल पहले सिटी हाउसिंग जेलों में काला गोजरा के एक एरिया है GT रोड के ऊपर सेटला टाउन था, उसका रकबा खरीद कर किया। अब जो सिटी हाउसिंग जेलों में 2500 से 3000 फैमिलीज तक रह रही हैं, और आप जाके वहाँ विजिट करें सिटी हाउसिंग जेलों का, अनबिलीवेबल हाउ दे डिलीवर्स, और पहाड़ों को उन्होंने तराश तराश के जो काम किया है, आई डोंट थिंक सो कि इतनी बेहतरीन अंदाज से इतना जल्दी उसको डेवलप किया और इतना कामयाब बनाया। इसमें मैं सिटी हाउसिंग की मैनेजमेंट टीम को, उसकी वर्क टीम को, डेवलपमेंट टीम को सराहता हूँ उनकी काविशों को कि किस तरह वो अपने जो इत्माद अपना कायम रखते हैं मार्केट में। आपकी रेपो और आपका इत्माद ही मार्केट में सबसे बेहतरीन असासा है। फिर जब इनका दूसरा प्रोजेक्ट सिटी हाउसिंग गुजरांवाला के नाम से GT रोड के ऊपर, बिल्कुल GT रोड के, इनके 3 प्रोजेक्ट हैं GT रोड के ऊपर, गुजरांवाला इधर से सराय आलमगीर हो जाएगा, फिर जेलम हो जाएगा। तो अब तक जो सिटी हाउसिंग गुजरांवाला का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें वो भी तारीफ के काबिल है कि किस तरह उन्होंने कमाल की एमिनिटीज फैसिलिटीज अपने एंड यूजर्स को प्रोवाइड की हैं। इसमें सिटी हाउसिंग की एक खासियत है कि इनका जो डिलीवरी टाइम है बहुत कमाल का है। अब 4 साल का टाइम दे के, लास्टली आपको मिसाल मुल्तान की देता हूँ कि 4 साल का इन्होंने टाइम दिया और 2 साल में इन्होंने पोजेशन दे दिया। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आप जिस सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो किस कदर आउटपुट रखती है। तो फिर ये है कि जो सिटी हाउसिंग गुजरांवाला है इसमें तकरीबन 3500 से 4000 फैमिलीज रह रही हैं, और वहाँ उन्होंने अपने जो एंड यूजर्स हैं जो उनके रिहायशी हैं उनको हर तरह के फैसिलिटीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सिनेमास और जू, मॉल्स वगैरह, मार्केट वगैरह, हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, 2 स्टेप अवेलेबल है, और सिक्योरिटी का तो मसला ही कोई नहीं है। फिर गुजरांवाला के बाद इन्होंने सियालकोट में मूव किया, वहाँ बहुत अच्छा कामयाब प्रोजेक्ट रहा इनका। फिर फैसलाबाद से थोड़ी शिकायत आई कि फाइल ज्यादा है और रकबा कम है, लेकिन इनकी मैनेजमेंट को दाद देनी पड़ेगी किस तरह इन्होंने हैंड ओवर किया, वो किस तरह इन्होंने मैनेज करके डिलीवर किया और उसको एक कामयाब प्रोजेक्ट बनाने में अहम किरदार अदा किया। तो फिर इसके बाद इन्होंने मुल्तान में 2 फेज किए। अब लास्टली 6 मंथ पहले इन्होंने दूसरा फेज लॉन्च किया और उसकी डेवलपमेंट जाके आप देखें किस कदर तेजी से काम हो रहा है और किस कदर सफाई और सफाई, यू डोंट बिलीव। सिटी हाउसिंग गुजरांवाला में जब मैं गया तो मैं शॉक्ड हो गया कि किस तरह इन्होंने किस कदर ब्यूटी से वहां काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर
गुजरांवाला में मैंने पहली बार देखा था किसी सोसाइटी में। तो ये हद तक ये डेवलप करते हैं, इन्वेस्टमेंट का तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और जो पहले सिटी हाउसिंग में रह रहे हैं उनके लिए तो उनको वो तो पहले से जानते हैं कि ये एक मौका है कि स्टार्ट में इसको अवेल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन गेन किए जाए। और बाकी जहाँ ये बन रही है सिटी हाउसिंग खारिया, जिला गुजरात में आता है, और गुजरात सराय आलमगीर झेलम खारिया ये ऐसा इलाका है कि जहाँ सारे जो ओवरसीज हैं वो यूरोप में रहते हैं और उनको इतनी कोई बात की टेंशन नहीं है। और जो फिर जो सिटी हाउसिंग खारिया का पेमेंट प्लान है वो बहुत अप्रोचेबल है आम बंदे के लिए, कॉमन बंदे के लिए भी। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट इनकी स्टार्ट होती है 1.5 लाख से, यानी मंथली 50,000 बनता है। तो इजीली कोई हर बंदा ही अवेल कर सकता है, चाहे वो लेबर्स हैं, चाहे क्योंकि मोस्टली जो हमारे सऊदी अरेबिया और यूएई के जो हैं बंदे जो काम करते हैं वो मोस्टली लेबर हैं और वो इसको इजीली कर सकते हैं। क्योंकि आप जो है ये अवेल कर लेंगे तो बेहतरीन आपको मार्जिन मिल सकेंगे, चाहे वो जिस मर्जी तबके का बंदा है। ठीक है, सादा लफाज में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो पेमेंट प्लान है उसको मैं डिस्कस करता हूँ कि इसमें इन्होंने चार पांच कैटेगरीज दी हुई है, 5 मरला की, 10 मरला की, केनाल की, 7 मरला की और 2 केनाल की। ठीक है, जो 5 मरला की बुकिंग है 4.5 लाख रुपए से है, ठीक है, और इसकी जो लॉन्चिंग रेट है 22,95,000 रुपये है। 10 मरला की बुकिंग 7.5 लाख है, और जो हमारी 7 मरला की बुकिंग है 6.5 लाख है, और केनाल की बुकिंग 12.5 लाख है। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर नंबर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखिएगा। सिटी हाउसिंग एक मनफरद आइकन बन गया है जो अपने यूजर्स को अमेनिटीज, फैसिलिटीज, लैविश लाइफ स्टैंडर्ड मुहैया करता है, जिसकी वजह से मार्केट में ये एक ब्रांड है और लोग इस पर भी ट्रस्ट करने लग गए हैं, जैसे DHA पे कर रहे हैं। और सिटी हाउसिंग खास बात यह है कि ये अपने जो इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं या रिहायशी हैं, उनके मसाइल को हल करने में कामयाब हुआ है और वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव और रिलायबल स्टेट डेवलपर बन गया है सिटी हाउसिंग। और इसीलिए सिटी हाउसिंग खारिया की इतनी हाइप क्रिएट है। हालांकि आपके जो मुल्क के प्रॉपर्टी के हालात है वो बहुत माड़े हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन क्या है कि लोगों को पता है इन्होंने डेवलप किया है और ये इन मार्जिन देंगे और ये करके दिखाएंगे, बिकॉज इन्होंने करके दिखाया है। अपना ख्याल